नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में 6 महीने के बच्चे समेत 3 संक्रमितों की मौत, 157 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 6 महीने के बच्चे समेत 3 संक्रमितों की मौत हुई। जिला कांगड़ा के 82 वर्षीय और शिमला के 70 वर्षीय बुजुर्ग, जबकि जिला कांगड़ा में 6 महीने के बच्चे ने दम तोड़ा। प्रदेश में 4,475 लोगों के सैंपल लिए गए, इनमें 157 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1,421 रह गई। हिमाचल में अब 48 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, ये सभी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। सीएम जयराम बोले, कांग्रेस के 2 विधायक आए, अभी और आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में शामिल हुए, अभी और भी आएंगे, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। शिलाई में जनसभा के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की मंजिल आसान नहीं, इस बार हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा। हाथियों के जनजातीय दर्जे के मुद्दे पर जयराम ने कहा कि मंजिल अब दूर नहीं, जल्द ही इसका सकारात्मक समाधान होगा। हाथियों को उनके अधिकार मिलकर रहेंगे, हाथी को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में शिलाई विस क्षेत्र में जल्द धन्यवाद रैली की जाएगी। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने किया 20 कमेटीज का गठन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 20 कमेटीज का गठन किया। इन कमेटीज के अध्यक्ष और सदस्य हाईकोर्ट के जज नियुक्त किए गए। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक कमेटी में न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए भी 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने मांगे आवेदन, इस बार नहीं लगेगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी के उम्मीदवारों से सादे कागज पर या ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों को अपना आवेदन पूरे बायोडेटा के साथ भेजना होगा। इसमें उम्मीदवार का पूरा नाम, डाक पता, विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ना है, जाति, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पार्टी से संबंधित पूरे विवरण और अनुभव सहित आवेदन करना होगा। मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को मंडी के पड्डल मैदान में प्रतिमा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री मंडी के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहेंगे। शिमला में चिड़गांव के बटवाड़ी में तेज धार हथियार से युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना चिड़गांव के अंतर्गत बटवाड़ी गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया। मृतक की गर्दन पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। युवक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, जो बटवाड़ी में स्थानीय बागवान के पास मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार नेपाली मूल का मनोज अपने परिवार सहित बटवाड़ी में प्रमोद कुमार के बगीचे में चौकीदार का काम करता था। भाजपा नहीं किसी की सगी, जब गडकरी सरीखे नेताओं को नहीं बख्शा तो आम जनता व नेताओं को क्या बख्शेगी। बीजेपी मौका परस्त और पूंजीवाद की पक्षधर है, ये बीजेपी के एक्ट और कंडक्ट से लगातार स्पष्ट हुआ है। ये बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही। राणा ने कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी को न जनता के हितों से कोई मतलब है, न ही कानून संविधान से कोई वास्ता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव सिर पर है, विकास और बेरोजगारों को राहत देने में सरकार कंगाल है। कुड़ीधार रोड पर खाई में लुढ़की कार, एक की मौत। उपमंडल रामपुर की कुड़ीधार सड़क मार्ग में मारुति कार नीचे खाई में लुढ़क गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति घायल है। मृतक सुरेश कुमार पुत्र सोहनलाल गांव बढ़ाच तहसील ननखड़ी का निवासी था, वहीं घायल कार चालक राजेश कुमार गांव बढ़ाच का रहने वाला है। दोनों कुड़ीधार से होकर बढ़ाच की ओर जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। चुनाव निकट, दोनों दलों में टिकट को लेकर स्थिति विकट। प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश के दोनों मुख्य दलों भाजपा और कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर स्थिति विकट होती जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा की अगर बात करें तो कांगड़ा व नालागढ़ विधानसभा हलकों में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए 2 विधायकों को स्थानीय भाजपा ही अपना नेता स्वीकार करने को राजी नहीं। दोनों हलकों में अंतर्विरोध थम नहीं रहा। बीते कल कुल्लू में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दूसरे दलों से आए नेताओं का टिकट पक्का न होने का बयान देकर स्थिति संभालने का प्रयास किया।
कांगड़ा जिले के मंदिरों में प्लास्टिक के फूल और मालाएं चढ़ाने पर जिलाधीश ने लगाई रोक। SDM करवाएंगे आदेशों का पालन। यदि आप देवी दर्शन के लिए कांगड़ा आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक के फूल या मालाएं अर्पित ना करें। कारण ये है कि कांगड़ा के जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल ने जिले के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में प्लास्टिक से निर्मित फूलों और मालाओं को चढ़ाने पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में नहीं होगी मोबाइल सिग्नल की दिक्कत, लगेंगे 1000 4G टावर। चीन सीमा से सटे और प्रदेश के अन्य दुर्गम क्षेत्रों में अब मोबाइल सिग्नल की दिक्कत नहीं होगी। भारत संचार निगम लिमिटेड इन क्षेत्रों में 1000 4G टावर लगाने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार BSNL के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कहां कहां इन टावर्स को लगाया जाना है ये भी प्रदेश सरकार तय करेगी। श्रद्धालु ने मां नैना देवी के चरणों में चढ़ाया 1 किलोग्राम सोने का हार। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में एक श्रद्धालु ने 1 किलो का सोने का हार चढ़ाया। पुजारी सचिन कुमार ने हार की विधिवत पूजा करवाई, बाद में हार मंदिर न्यास के हवाले कर दिया गया। हार चढ़ाने वाले श्रद्धालु ने कहा कि दान नाम बताकर यह प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं दिया जाता है। हिमाचल के बद्दी की प्रेरणा ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। हरियाणा के रोहतक में हुई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बद्दी की प्रेरणा मेहता ने स्वर्ण मेडल जीता। प्रेरणा मेहता का शुक्रवार को बद्दी पहुंचने पर स्वागत किया गया। प्रेरणा ने यूपी के पहलवान साक्षी को हराकर पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में हिमाचल की 10 महिला पहलवानों ने भाग लिया। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, 28 को आई चोटें। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब क्षेत्र के मुबारकपुर के समीप घेदा घट्टा में चिंतपूर्णी से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पलट गई। हादसे में 28 श्रद्धालुओं को चोटें आई, इनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। बस में लगभग 42 श्रद्धालु सवार थे। वीरेंद्र कंवर बोले, लंपी त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पशुधन में लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रभावी कदम उठाए। अभी तक लगभग 50,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विभाग के पास वर्तमान में टीके की 119,591 खुराक उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर खुले बाजार से भी दवा अथवा टीके खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। माता गाड़ा दुर्गा ने तीर्थन में किया शाही स्नान, व्रत के साथ उफनती नदी में उतरे लोग, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में तीर्थन घाटी की देव संस्कृति की झलक देखने को मिली। गुशैणी में हर वर्ष की भांति 3 कोठी की आराध्य देवी माता गाड़ा दुर्गा का प्राचीनतम होम उत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। मेले में हजारों लोगों ने भाग लेकर माता का आशीर्वाद लिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।